Hello everyone, I welcome you all to the Infinity Vision platform. Right now I'll be discussing one such question that came in your J-Main examinations. So this question came in your J-Main on 8th of April 2019. Okay, so let us see the question first. What does it say? A ship A is sailing towards northeast with a velocity of V3 I cap plus 50 J cap and the kilometer in kilometer per hour where I points towards east and J point towards north. Matlab ki agar शिप ए को मैं अगर यहां बनाऊं सपोज दिस इज शिप ए इसकी वेलोसिटी इज ऑलरेडी गिवन एंड इट्स वेलोसिटी इज गिवन एज 13 आई कैप प्लस 15 जे कैप ओके एंड आई कैप इज टू ईस्ट अगर इस डायरेक्शन को आप ईस्ट ले लेते हैं इस डायरेक्शन को वेस्ट ले लेते हैं ओके ऊपर वाले डायरेक्शन को नॉर्थ ले लेते हैं नीचे वाली डायरेक्शन को साउथ ले लेते हैं ठीक है, सो so, आगे बढ़ते हैं अब. डिस्टेंस ऑफ 80 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ ये ऊपर वाला डिस्टेंस यहां से वन किलोमीटर है सो तो so, इसका कॉर्डिनेट आप आसानी से बना सकते हैं कॉर्डिनेट इज नथिंग बट एटीन 150. वन फिफ्टी दिस इज अर्डिनेट ऑफ शिप बी अब क्या पूछा है शिप ए एंड सेलिंग एट ए स्पीड ऑफ टेन किलोमीटर पर आवर ठीक है स्पीड ऑफ टेन किलोमीटर पर आवर और ये वेस्ट की तरफ जा रहा है तो आप पूछा है कि भाई इन दोनों के बीच का मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा तो फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ये मैं मान लू दिस इज ऑरिजिन ये ऑरिजिन से स्टार्ट होता है एंड इट इज कंटिन्यूअसली इन मोशन तो यह हमेशा वेस्ट की तरफ मोशन में रहेगा सो so, इस एक्सिस से यह कितने डिस्टेंस पे रहता है वन फिफ्टी किलोमीटर पे ऑलमोस्ट रहेगा हमेशा के लिए बट इसका जो एक्स एक्सिस वाला डिस्टेंस है वो चेंज होता रहेगा नॉर्थ ये नॉर्थ की तवर, जो वाई एक्सिस वाला जो डिस्टेंस है वो तो कॉन्स्टेंट रहेगा इसका

थर्टीन टी आई कैप प्लस फिफ्टी टी जे कैप यही होगा टी टाइम बाद पोजिशन ऑफ ए फ्रॉम द ओरिजिन एंड वट अबाउट दिस बी का कितना होगा बी का इज नथिंग बट क्योंकि एटी डिस्टेंस में था इसका ये वाला डिस्टेंस कम होता जाएगा है ना तो वट वट इट वुड बी इट वुड बी और इसकी स्पीड है टेन सो यू कैन इजिली राइट इट एज एटी माइनस टेंटी दिस इज आई कैप प्लस वन फिफ्टी जे कैप यही होगा सो दिस वुड बी इट्स पोजिशन वैक्टर हो जाएंगे इन दोनों के एंड वट वुड बी द डिस्टेंस बिटवीन तो इट वुड बी आर बी माइनस आर ए सो डिस्टेंस वुड बी डिस्टेंस वुड बी आरबी माइनस आर ए तो इससे इसको माइनस करेंगे तो वट विल बी गेटिंग so the position vector 80 minus of minus this would be equal to minus 40t in i cap और uh, isko again multiply karenge so तो you will be getting 150 minus 50t तो यहाँ पे अगेन ये लिख लीजिए 150 minus 50t j cap so this is the distance between the two shape after some time है ना तो ये इसका position है a vector ए शिप का ये पोजीशन बी शिप का आफ्टर टी टाइम तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा so तो मैग्नीट्यूड तो कितना होगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वैक्टर वुड बी चलो इसको हम मिटा लेते हैं एंड देन यहां पर लेते हैं देखो मैग्नीट्यूड इसका कितना होगा इस वैक्टर का डी का मैग्निट्यूड होगा इट वुड बी क्लेन टू रूट चलो मैं इसको डी स्क्वायर ही ले लेता हूं तो इधर कितना होगा एटी माइनस फोर्टी टी का होल स्क्वायर प्लस वन फिफ्टी माइनस फिफ्टी टी का होल स्क्वायर करते हैं आप दिस इज ए कोऑर्डिनेट दिस इज बी कोऑर्डिनेट सो डी की वैल्यू कितनी होगी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यही होगा सो दिस वुड बी द डिस्टेंस बिटवीन है ना इसको अब मिनिमम करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा मिनिमम करना पड़ेगा तो डिफरेंशियट करना पड़ेगाट दिस डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो वट वि गेटिंग गेटिंग टू डी टू डी एंड डी एच बाई डी टी यही कुछ मिलेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम इसको डिफ्रेंशिएट करो तो वट विल बी गेटिंग टू एटी माइनस फोर्टी टी एंड अगेन यहां पे साथ में जुड़ जाएगा माइनस फोर्टी डिफ्रेंशिएट करना है ओके oh, okay. अब यहां देखो भाई यू आर गेटिंग ओवर हेयर ये टर्म को भी डिफ्रेंशिएट करो सो बी गेटिंग टू वन फिफ्टी माइनस फिफ्टी टी एंड अगेन इट वुड बी माइनस फिफ्टी वुड बी एक्सप्रेशन अब डीएचवाई डी टी को हम ऑलरेडी पता है अगर मिनिमम करना है तो इसकी वैल्यू को जीरो करनी पड़ेगी तो हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कौन से टाइम पे द मैग्निट्यूड ऑफ दिस वुड बी मिनिमम तो दोनों बीच दोनों के बीच का डिस्टेंस मिनिमम तब होगा जब डीएच बाई डी डी बाई डी टी मस्ट भी इक्वल टू जीरो तो इसको जीरो कर देंगे तो वट विल बी गेटिंग एक्सप्रेशन आएगा 2 से 2 कैंसल इधर एक्सप्रेशन आ गया 80 माइनस फोर्टी टी इसको इधर ही ले लेते हैं आपको इक्वल टू जीरो करना है इस एक्सप्रेशन को मैं उधर ले जाऊं तो दिस इज इट माइनस फोर्टी मस्ट बी इक्वल टू 150 फिफ्टी माइनस फिफ्टी टी ओके यहां पे और 50 जुड़ जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव में है तो उधर जाएगा तो पॉजिटिव में आ जाएगा ओके okay, बस अब इसको सॉल्व करना है जीरो से जीरो कैंसिल फोर okay, ये इधर जाएगा तो फोर फोर जा सिक्सटी फोर इज थर्टी टू माइनस माइनस प्लस फोर फोर जा सिक्सटीन इज इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई करो ठीक है यही आ जाएगा सो आप फर्दर इसको सॉल्व करेंगे फिफ्टी इधर ले आओ तो टू फिफ्टी इसमें एड हो जाएगा तो यूल बी गेटिंग जीरो फाइव फोर हंड्रेड एंड ट्वेंटी मस्ट बी इक्वल टू ये इसको उधर ले जाते हैं तो कितना कितना आएगा ओके okay, तो यू विल बी गेटिंग वन थाउजेंड सेवेंटी यही आएगा सेवन फिफ्टी प्लस थ्री ट्वेंटी तो विल बी गेटिंग क्लोज टू दिस एंड देन टाइम वुड बी इक्वल टू जो टाइम आएगा ये ये तो तो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा कि हमें करना क्या है सबसे पहले आपको अप्रोच ये लगाना है कि दोनों का पोजिशन वैक्टर क्या होगा आफ्टर टी टाइम ठीक है टी टाइम का इसका पोजिशन वैक्टर आसानी से निकाल लिया कि दोनों और उसके बाद दोनों के पोजिशन वैक्टर का डिफरेंस निकाल दिया डिफरेंस निकालने के बाद आसानी से आप एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं ठीक है यूजिंग मैक्सिमम मिनिमम थ्योरम हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उसके अकॉर्डिंगली हम आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आई होप कि ये चीज़ क्लियर हो गई होगी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको थैंक यू